Hello everyone, so let's start with today's video, and the topic of today's video is the steps of Hatch-and-Select pathway or C4 cycle. तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको C4 cycle का इंट्रोडक्शन दिया था कि Krenz anatomy क्या होता है, C4 pathway कैसे अलग होता है and what are the components of the leaf or the cells of the leaf which is involved here. तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इस C4 पाथवे में एक स्पेसिफिक एनाटॉमी होता है लीफ में एंड दैट इज Krenz एंड मींस द रिंग लाइक अरेंजमेंट. एंड ये रिंग लाइक अरेंजमेंट जो है वो बंडल शीट सेल्स का अरेंजमेंट है. तो यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व है, मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल शीट सेल्स का क्लोरोप्लास्ट. तो होगा क्या, सबसे पहले आपको पता है CO2 विल एंटर इनटू द मेसोफिल सेल्स and it will react with water, it will form carbonic acid and carbonic acid will split into hydrogen ion and bicarbonate ion. इसको bicarbonate कहते हैं. Bicarbonate ion will react with phosphoenol pyruvic acid, जिसको आप शॉर्ट में PEPB बोल सकते हैं. It is having 3 carbon. तो अगर हम carbon count करें तो इसके पास 3 carbon हो गए और इसके पास 1 carbon. So in short, carbon dioxide will react with phosphoenol pyruvic acid in the form of bicarbonate ion. तो यहाँ पे जो first carbon dioxide acceptor है, that is phosphoenol pyruvic acid. This will form the first stable product. It is oxaloacetic acid. Short form is OAA, and it is having 4 carbon. 3 plus 1, 4 carbon. Now the reaction. For this reaction, you need an enzyme, and the enzyme is phosphoenol pyruvate कार्बोक्सिलेज. क्योंकि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली एंजाइम जो होगा वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, इट विल कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट टाइप, अनदर टाइप ऑफ एसिड, दैट इज मेलिक एसिड. एंड मेलिक एसिड जो है इसके पास भी 4 कार्बन है. दिस मेलिक एसिड देन विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द बंडल शीट सेल. जैसे ही बंडल शीट सेल में जाएगा मेलिक एसिड, मेलिक एसिड जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करेगा और बनाएगा पाइरुविक एसिड एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो द प्रोसेस इज डी कार्बोक्सिलेशन. तो एक कार्बन निकल गया, तो यहां पे 4 कार्बन थे, पाइरुविक एसिड विल हैव 3 कार्बन. एंड नाउ दिस 1 कार्बन डाइऑक्साइड विल गो इनटू केल्विन साइकिल. सो हियर RuBP इज प्रेजेंट टू एक्सेप्ट द कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप देखो कि यहां जो RuBP है ये सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है. प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. इट इज द सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. तो RuBP जो रिएक्ट होगा और उसके बाद बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. और आपको पता है इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं. अब ऑब्वियसली रीजेनरेशन होना जरूरी है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड का. तो पाइरुविक एसिड जो है वो जाएगा, पाइरुविक एसिड विल मूव इनटू द मेसोफिल सेल बैक एंड मतलब ट्रांसपोर्ट होगा मेसोफिल सेल में एंड मेसोफिल सेल में इट विल फॉर्म फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. तो अब आप पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बना रहे हो और तो आप फॉस्फेट तो लोगे ही ना. तो फॉर दिस
there will be ATP and ATP will give AMP. ATP को हम कैसे लिखते हैं? Adenosine triphosphate, मतलब तीन phosphate की जरूरत होती है. तो pyruvate से phosphoenol pyruvic acid बनाने के लिए आपको दो phosphate देना पड़ेगा. तो ये हो गया AMP, adenosine monophosphate. तो आप ATP से AMP भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 ATP लिख सकते हैं, 2 ATP से 2 ADP. सो 2 ATP आप ऐसे काउंट कीजिए, दैट विल बी बेटर टू रिमेम्बर. अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल यू आर यूटिलाइजिंग 18 ATP एंड 12 NADPH2. तो आपको ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली ये वाली साइकिल भी 6 बार चलेगी. और हर C4 पाथवे में यहां पे 2 ATP यूज हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 6 × 2 ATP, इट इज 12 ATP. एंड 12 + 18, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ C4 पाथवे में आप 30 ATP एंड 12 NADPH2 यूज कर रहे हैं. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. तो वापस मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. तो आप एक और चीज देखें, यहां पे कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस 2 बार हो रहा है, एक तो यहां पे हो रहा है और दूसरा यहां पे हो रहा है. सो इन हैच एंड स्लैक पाथवे देयर आर 2 कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. अब ये जो मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि यहां पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन विल मूव इनटू द एनवायरमेंट. इट विल नॉट कम इनटू दिस बंडल शीट सेल, और यहां पे ऑक्सीजन नहीं है. तो आप क्या देखोगे कि यहाँ जो रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एंड ज्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिलेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन. तो इसकी वजह से ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो फूड होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स. क्योंकि C3 प्लांट्स के केस में मेसोफिल सेल के अंदर ही डार्क, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ही डार्क एंड लाइट रिएक्शन दोनों होता है. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इट कैन ऑक्सीडाइज द फूड विच इज देयर इन द स्ट्रोमा. ठीक है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये थायलाकॉइड है और यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और आपका डार्क रिएक्शन कहां पे हो रहा है? ग्लूकोज स्ट्रोमा में बन रहा है. सो दिस ऑक्सीजन कैन इजीली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. तो खाना बन भी रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो वहां पे जो स्टोर्ड फूड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस. यहां पे लाइट रिएक्शन क्योंकि मेसोफिल सेल में हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में चला जाएगा, बंडल शीट सेल में नहीं आएगा. उसकी वजह से रुबिस्को एंजाइम के पास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई रहेगा, एंड उसकी वजह से एक जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो ज्यादा अमाउंट पे बनेगा, एंड इट विल बी इजीली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. इट विल रिएक्ट टू फॉर्म द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैविंग 4 carbon oxaloacetic acid. इट विल कन्वर्ट इनटू मेलिक एसिड. मेलिक एसिड विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल शीट सेल. बंडल शीट सेल में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एंड यू विल गेट 3 carbon मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड एंड 1 carbon डाइऑक्साइड, एंड दैट 1 carbon डाइऑक्साइड विल बी एक्सेप्टेड बाय द सेकेंडरी एक्सेप्टर रुबिलोज बिस फोस्फेट, एंड द केल्विन साइकिल विल स्टार्ट. दिस पाइरुविक एसिड विल मूव इनटू और ट्रांसपोर्टेड इनटू द मेसोफिल सेल्स, एंड पाइरुविक एसिड एटीपी यूटिलाइज करके फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड वापस से बना देगा. इन दिस प्रोसेस यू विल सी इन होल प्रोसेस टोटल 30 ATP इज यूटिलाइज्ड, एंड अ लॉट ऑफ फूड विल फॉर्म एफिशिएंटली इन C4 पाथवे. So this is all about C4 cycle. So see you in my next video. Keep
Keep learning, be safe, and don't forget to share, like, and comment on my videos. Thank you so much.